सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एबीएस के साहिवाल बुल्स के बारे में। वैसे साहिवाल के जो एसएजी बिडाज फार्म के जो बुल्स हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक खास बात की है, आप सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि दूसरी ब्रीड्स जो हैं गिर के अलावा और जफराबादी के अलावा, तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया करें। तो अब से जो है वो सारी दूसरी जो नस्लें हैं, गाय हो या फिर भैंस हो, तो उसके दूसरी नस्लों के ऊपर भी वीडियो जो है वो बुल्स के बारे में आती रहेगी हर एक सीमेंट स्टेशन की। और हाँ, गिर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस है। ज़्यादातर जो सीमेंट स्टेशन है वो मैंने कवर कर लिए हैं और सभी जो बुल्स हैं उनके माँ बाप की फोटोग्राफ भी आपको हर एक वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर गिर या फिर जाफराबादी बुल्स के बारे में भी आपको डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पर यानी कि वर्ल्ड ऑफ बोवाइंस के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो एक बार जो है वो चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एबीएस का साहिवाल बुल है उसका नाम है शौर्य। शौर्य को जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो S29 नंबर का जो एसएजी का बुल था वो इसका बाप है। A2A2 इसका बीटा कैसीन आप जीन जो है वो देख सकते हैं। वैसे A2A1 के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊँगा। ये एक गिमिक या फिर आप कह सकते हैं कि पुरानी बात है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ना ही माने तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि A1 A2 के बारे में प्रूफ आज तक किसी ने भी नहीं दिए हैं। तो वैसे मैं उसके बारे में आपको जो वो अलग से वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन आज हम फोकस करते हैं एबीएस के साहिवाल बुल्स के ऊपर। तो एबीएस शौर्य के अगर डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो 3000 के आसपास उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 5.9% फैट है। और S29 की जो माँ है उसका आप मिल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं जो कि 5000 के आसपास है, वो भी काफ़ी बढ़िया मिल्क रिकॉर्ड है। साथ ही में यहाँ पर जो है वो आप फोटोग्राफ देख सकते हैं S29 की, जो कि SAG बिडाज फार्म में था। और नीचे जो है वो S29 की सारी डिटेल्स जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं ABS की अगले साहिवाल बुल की ओर, जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन का जो बाप है उसका नाम है नागर और A2A2 जीन है इसका भी। 4636 kg इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है और 5.1% फैट है। साथ ही में नागर जो है उसकी माँ का भी मिल्क रिकॉर्ड आप देख सकते हैं जो कि है 3704 kg। और अगर दोनों ही पेरेंट्स का मिल्क रिकॉर्ड जो है उसे एवरेज में हम गिने तो 4170 के आसपास होता है। फिर चलते हैं अगले बुल की ओर, जिसका नाम है गर्व। अब गर्व का बाप यहाँ पर पहले ही उन्होंने कृष्णा लिखा, फिर बाद में पास में उन्होंने लिख दिया कि एक्चुअली इट्स नागर, यानी कि नागर ही है इसका बाप, लेकिन फिर भी यहाँ पर कृष्णा क्यों लिखा है वो मुझे पता नहीं है। A2A2 इसका भी जीन है, 4885 kg जो है वो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 5 के आसपास फैट परसेंटेज है। और जो नागर या फिर कृष्णा जो भी हो इसका बाप, यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली इट्स नागर लिखा है तो नागर ही होगा, तो उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है। फिर आप देख सकते हैं ABS वीर को, और S34 इसके बाप का नाम है। A2A2 इसका भी जीन है, 4071 kg इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 5.2% इसकी माँ का फैट है। और 6594 kg S34 की माँ का मिल्क रिकॉर्ड है। S34 जो है वो भी SAG बिडाज फार्म का ही नंदी है, उसकी भी मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, लेकिन आप मिल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं 6500 kg के आसपास S34 की माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अब आप जो है वो फोटोग्राफ देख सकते हैं S34 बुल की, जो कि ABS वीर का बाप है। साथ ही में इसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारी ही जो जानकारी है वो भी आप नीचे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर है ABS का अगला नंदी, जिसका नाम है तूफान। तूफान की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो बाप है उसका नाम है बहादुर। A2A2 इसका भी जीन है, 4818 kg इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है और 4.6% फैट है। साथ ही में बहादुर की जो माँ है उसका मिल्क रिकॉर्ड है 4191 kg। और तूफान को जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं सुरमा को। सुरमा के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो बाप है वो है SW1681 जो कि NDRI का था। वैसे उसकी फोटोग्राफ मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। A2A2 इसका भी जीन है सुरमा का, और सुरमा की जो माँ है उसका मिल्क रिकॉर्ड है 3900 के आसपास, 5.8% फैट है। और साथ ही में SW1681 नंबर की जो माँ है यानी कि इसके बाप की माँ, उसका 3704 kg मिल्क है। फिर आप देख सकते हैं अगला साहिवाल नंदी, जिसका नाम है नचिकेत। अब नचिकेत का जो बाप है उसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि है रुस्तम, और RCCSC पाकिस्तान से रुस्तम जो बुल है वो है। क्योंकि जो साहिवाल नस्ल है उसका जो
ओरिजिन है, ब्रीड ऑफ ओरिजिन, वो पंजाब के आसपास का या फिर जो पाकिस्तान के साइड का जो एरिया है वो भी उसमें पड़ता है। यानी कि साहिवाल का आधा हिस्सा जो है वो भारत में है और आधा हिस्सा जो है वो ब्रीड ऑफ ओरिजिन का पाकिस्तान में भी है। तो इसी के कारण जो है वो पाकिस्तान में भी काफ़ी अच्छी नस्ल के जो साहिवाल बुल है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में अगर बात करें नचिकेत की डिटेल्स के बारे में तो 4016 केजी इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 4 के आसपास फैट परसेंटेज है। और साथ ही में रुस्तम का जो माँ है उसका मिल्क रिकॉर्ड है 3563 केजी। तो अब चलते हैं अगले बुल की ओर जिसका नाम है मुल्तान। अब मुल्तान का जो बाप है उसका नाम है मुल्तान नामधारी, A2A2 इसका भी जीन टाइप है। और इसकी जो माँ है उसका मिल्क रिकॉर्ड है 4204 केजी और 4.2% फैट है। अब यहाँ पर जो है वो मुल्तान नामधारी यानी कि ABS मुल्तान का जो बाप है उसकी डिटेल्स ABS वालों ने साइट के ऊपर नहीं डाली हुई है। फिर आप देख सकते हैं ABS आकाश नाम के इस नंदी को, S34 इसका भी बाप है, A2A2 इसका भी जीन है और 4813 केजी जो है वो इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 4.7% फैट है। और साथ ही में S34 की माँ का मिल्क रिकॉर्ड अभी मैंने आपको पीछे भी बताया काफ़ी शानदार है, 6594 केजी। और S34 जो है वो वन ऑफ द प्रूवन बुल है साहिवाल में। तो S34 की फोटोग्राफ अगर आपने नहीं देखी है तो फिर से आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ABS ध्रुवा को, ABS ध्रुवा का जो बाप है वो भी SAG बिडाज फार्म का ही है, 40 नंबर का नदी, A2A2 इसका भी जीनोटाइप है और 4063 केजी इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 4.8% फैट है। साथ ही में S40 जो है इसका बाप उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है 4352 केजी। अब आप देख सकते हैं ABS रणवीर को, इसका जो बाप है उसका नाम है नामधारी, A2A2 इसका भी जीनोटाइप है, 4936 केजी जो है वो रणवीर की माँ का मिल्क रिकॉर्ड है और 4.0 यानी कि 4 ही इसका जो फैट परसेंट है इसकी माँ का। साथ ही में यहाँ पर नामधारी की कोई भी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। अगला आप बुल देख सकते हैं जिसका नाम है ABS सुंदर, इसका जो बाप है वो है SH366 नंबर का नंदी, उसकी भी मैं आपको फोटोग्राफ आगे दिखाऊंगा। और अगर बात करें ABS सुंदर की डिटेल्स के बारे में तो A1A2 इसका जीनोटाइप है और 4863 केजी इसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 5.7% इसकी माँ का फैट है। और SH366 नंबर यानी कि इसका जो बाप है उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड वगैरह सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और SH366 नंबर की जो फोटोग्राफ है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल्स क्लियरली पढ़ सकते हैं तो मैं जो है वो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा इसकी डिटेल्स बोलकर बताने में। और एक बुल है ABS वालों के पास जिसका नाम है शक्ति, लेकिन शक्ति की जो फोटोग्राफ है वो ABS वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं की है, लेकिन जो डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यानी कि शक्ति का जो बाप है वो है रुस्तम और गहलोत फार्म करनाल से जो इसका बाप है वो है A2A2 इसका भी जीनोटाइप है शक्ति का, 4111 केजी शक्ति की माँ का मिल्क रिकॉर्ड है, 5.1% फैट है। साथ ही में रुस्तम यानी कि शक्ति का जो बाप है उसकी माँ का 4010 केजी मिल्क रिकॉर्ड है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ABS के साहिवाल नदियों के बारे में सारी जो जानकारी है वो मिल गई होगी। साथ ही अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के बारे में बताऊं तो अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा बुल के सीमन जो है वो कैसे बनते हैं, क्योंकि खास करके गी ब्रीड में काफ़ी सारे सीमन आ रहे हैं और प्राइवेट सप्लायर्स भी हैं इसके, प्राइवेट में जो है वो ओनर जो है वो भी सीमन बना रहे हैं। तो किस किस तरीके से जो है वो बुल के सीमन आप निकाल कर बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, सारी ही जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा।